प्रॉपर्टीज है उनकी बात करते हैं और इसके यूजेज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, की एल्केन्स जो है किसके साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वैसे तो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन अपन जो मेनली चार केमिकल प्रॉपर्टीज है उनकी बात करेंगे। फर्स्ट हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर क्या होगा कि जो एल्केन के अंदर हाइड्रोजन है, एल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन एटम होता है वो क्लोरीन एटम के थ्रू 1/1 सनलाइट की प्रेजेंसी में रिप्लेस होता जाता है। ठीक है, तो कैसे रिप्लेस होता है सनलाइट की प्रेजेंसी में, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 1/1, एक एक करके, एक साथ रिमूव नहीं होता है, एक एक 1/1 होता है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। देखिए अपन ने एल्केन लिया CH4 रिएक्शन विद Cl2 प्रेजेंसी ऑफ सनलाइट, तो यहां से जो एक Cl है वो एक हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद आ जाएगा, फिर जो दूसरा हाइड्रोजन है वो किसके साथ जाएगा, कहां जाएगा, तो देखो वो ऐसे जाएगा CH3 बचेगा, एक हाइड्रोजन चला गया और उसकी जगह कौन आ गया, Cl आ गया, और दूसरा Cl उस हाइड्रोजन को लेके अपने साथ निकल लेगा। ठीक है, तो CH3Cl प्लस HCl, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अब 1/1 एक एक करके सारे हाइड्रोजन चले जाएंगे, अब देखिए उसमें से हाइड्रोजन जाएगा तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, CH3Cl को कोई दिक्कत नहीं है, प्लस Cl2, तो ये Cl2 हो गया, सनलाइट की प्रेजेंसी हो गई, तो यहां से ये निकल गया HCl, ये आ जाएगा यहां पे, तो क्या हो जाएगा ये CH2Cl2। ठीक है, अब वो CH2Cl2 में उसको ऐसे लिख देता हूं, कार्बन के जुड़े हुए दो हाइड्रोजन और दो Cl, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख सकते हो वही Cl2 सनलाइट की प्रेजेंसी में, ऐसे खोल के मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कहां से क्या निकल रहा है, अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको रिएक्शन याद है तो। यहां से HCl निकल गया, इस हाइड्रोजन की जगह ये Cl आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये CHCl3, क्लियर, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म बना CHCl3, जो कि पहले बेहोश करने के काम में लिया जाता था, पेशेंट को जब कोई ऑपरेशन होता था तो उसको बेहोश किया जाता था इस क्लोरोफॉर्म के थ्रू, आजकल इसका यूज बंद कर दिया है। ठीक है, ये पॉइजन होता है, अगर क्वांटिटी ज्यादा दे दी जाए तो पेशेंट मर सकता है। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का एक और हाइड्रोजन बचा, वो भी रिमूव हो जाएगा, तो ये कार्बन है, इसके तीन Cl जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन है CHCl3, रिएक्शन विद क्लोरीन सनलाइट प्रेजेंसी में, तो यहां से ये HCl भी निकल गया, ये हाइड्रोजन भी निकल गया और ये Cl आ गया यहाँ पे, तो बच गया ये क्या CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस कंपाउंड का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपने देखा यहाँ से 1/1 करके सारे हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं, सब्स्टिट्यूशन हो गया इनका क्लोरीन एटम के थ्रू। ठीक है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, ये एल्केन की प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है कंबशन, यानी जलाना, अगर एल्केन को जलाएं तो हम जानते हैं कि जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी होना जरूरी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में ही ये बर्न होगा, तो जब हमने एल्केन को जलाया, देखिए यहाँ पे देखिए रिएक्शन, आप CH4 ये एल्केन है, मीथेन नाम है इसका, और इसका कंबशन किया हमने O2 के साथ में, इसको जलाया, तो हम जानते हैं कि अगर ये जलेगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है, तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है रिएक्टेंट में, इससे हमें पता चल गया कि एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी CO2, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड चार हाइड्रोजन है, इट मींस दो मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे, प्लस H2, चार हाइड्रोजन आ गए इसलिए दो मॉलिक्यूल वाटर के, तो ये हो गया इसका कंबशन, एल्केन का कंबशन करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। आगे बात समझे, आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारी रिएक्शन विद स्टीम, स्टीम आप जानते हो भाप, भाप बोले तो पानी को गर्म करे तो उसकी भाप बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, स्टीम बनेगी, तो उस गर्म भाप के साथ, उस स्टीम के साथ में जो है इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, किसकी,
ये काम होता है हाई टेम्परेचर पे 1273 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, निकल के प्रेजेंस से लेते हैं तो क्या बनता है देखिए। थर्ड रिएक्शन, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, एल्केन ले लिया CH4+ स्टीम, स्टीम बोले तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, अरे पानी भाप में बदल गया तो कोई अलग थोड़ी कंपाउंड बन गया है, तो वही वाटर, इसलिए फॉर्मूला तो हम क्या लेंगे वही H2O 1273 केल्विन टेम्परेचर और निकल की प्रेजेंस में जब एल्केन की रिएक्शन स्टीम के साथ में करवाते हैं, यानी कि वाटर गर्म हॉट वाटर बोल दिए, हॉट वाटर बोल लो आप चाहे इसको, तो यहां पे फॉर्मेशन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी, और हाइड्रोजन गैस में तीन मॉलिक्यूल्स आएंगे क्योंकि चार दो छह, छह यानी कि यहाँ पे तीन लगेगा, तीन दो छह, तो तीन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के बनेंगे और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाई कार्बन मोनोऑक्साइड का बनेगा। तो स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्केन्स का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पाइरोलाइसिस, वैसे तो ये पाइरोलाइसिस जो टॉपिक है वो 14% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें आ गया है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक छोटी सी रिएक्शन उन्होंने रिड्यूस किया है, बीच बीच में से एक एक रिएक्शन हटाइए तो उसे क्या मतलब है अपन पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पाइरोलाइसिस में देखो क्या होता है, पाइरोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना, ठीक है। ब्रेक होना मतलब कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा कंपाउंड है एल्केन का, और जब उसको गर्म करें, ठीक है, तो वो क्या होता है छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट जाता है, छोटे छोटे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कैसे? ऐसे एक बड़ा मॉलिक्यूल मैंने एल्केन का ले लिया, ये ले लिया, देखिए आप देख सकते हैं बोर्ड पे, और बड़ा ले लेता हूं, ये लीजिए यहां पे एक लास्ट मॉलिक्यूल है एल्केन का, इसका नाम हेक्सेन है, क्या नाम है इसका, हेक्सेन, ठीक है, एनएक्सेन लास्ट मॉलिक्यूल हेक्सेन है। जब मैं इसको हीट करूं 773 केल्विन टेम्परेचर पे इसको हीट करूंगा तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे तीन कंपाउंड्स बना सकते हैं इससे, एक बन जाएगा प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ये हो गया प्रोपेन, एंड एक हो गया एथेन CH3 CH3, ये हो गया एथेन, और ये हो गया मेथेन CH4। तो इससे मेथेन, एथेन और प्रोपेन छोटे छोटे तीन मॉलिक्यूल्स बने हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो इसको बोलते हैं पाइरोलाइसिस। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी एल्केन की। अब इसके यूजेज की बात करते हैं कि इसके क्या क्या यूजेज हैं, एल्केन के यूजेज क्या है। तो एल्केन के यूजेज आप जानते ही हो, सब सिंपल सी चीज है एल्केन के यूजेज, नॉर्मली तो काफी हद तक आप जानते हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एल्केन के यूजेज क्या क्या है। फर्स्ट यूज देखिए, एल्केन से जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, और जो हमारे काफी यूज आता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म बनाया था, ठीक है, एल्केन से बनाते हैं वो, और वो उनके यूजेज भी बहुत सारे हैं। फिर इसके अलावा फ्यूल के रूप में एल्केन्स का यूज किया जाता है, फ्यूल के रूप में जो है मीथेन वगैरह गैस जो है यूज होती है, तो फ्यूल के रूप में भी इसका यूज है। इसके अलावा जो एथेन है, एथेन का यूज जो है जनरली जो है आर्टिफिशियल जो कपूर होता है ना, कपूर नकली, वो भी बनाया जाता है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि जो एल्केन्स है जनरली इनका यूज होता है प्लास्टिक और रबर के जो सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट के रूप में प्लास्टिक और रबर के लिए काम में लिए जाते हैं ये, आई बात समझ में। तो ऐसे ही काफी सारे यूजेज हैं जो आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं एल्कीन की, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एल्केन कंप्लीट हो गया, तो सेकंड जो पार्ट है इसका एल्कीन, तो हम बात करेंगे एल्कीन की। एल्कीन, कल मैंने आपको बता दिया था कि एल्कीन का जो सफिक्स होता है क्या होता है, सफिक्स, वेरी गुड, अब कभी नहीं बोलोगे तो इन, देखो साउथ में आ रहा है एल्कीन इन, ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n ओनली, एल्केन में प्लस टू हो जाता है, एल्काइन में माइनस टू हो जाता है, और इसमें ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, केवल CnH2n, यहाँ पे स्टॉप।
ऑफ कर देंगे। एंड एन इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो कि कितना हो सकता है यहां पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो सकता है, 1 to 5 नहीं करेंगे, यहां पे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, यानी यहां पे n इज इक्वल टू 1 नहीं होता है, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 1 नहीं होता एल्कीन में और एल्काइन में, केवल एल्केन में होता है। तो फर्स्ट मेंबर कौन होगा यहां पे, N2 के हिसाब से C2 S2 मल्टीप्लाई टू, तो C2 H4, इट मींस फर्स्ट मेंबर इसका है एथीन, क्या नाम है इसका, एथीन। तो इस ग्रुप का, इस सीरीज का, एल्कीन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है वो है एथीन, आई बात समझ में। और इनके बीच में कार्बन है, एल्कीन के अंदर जो कार्बन कार्बन एटम है उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एल्कीन्स के अंदर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि जो एल्कीन है इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन इनके अंदर देखो, हाइब्रिडाइजेशन हम जानते हैं नॉन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, देखो मैं ये एथीन का एग्जांपल ले लेता हूं, सी डबल बॉन्ड एच 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 एच, ये एथीन है, इसमें देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं सॉल्ट मेथड से, ये सिग्मा बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड कौन सा होता है, पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा है, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा है, कोई इस कार्बन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो एच इज इक्वल टू 0 लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1, 2, 3, 3, तो एच इज इक्वल टू कितना है, 3, 3 मींस 1 एस और 2 पी, एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन, एल्किन के अंदर एस पी 3 था और एल्किन के अंदर एस पी 2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसका जो लॉन्ग मेथड है वो अपन ने चैप्टर 4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है उसमें कर लिया था, ये एग्जांपल मैंने वहां पे भी लिया था। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया, अगर इसका तितली डायग्राम बनाएंगे तो देखिए तितली डायग्राम, पहले से मैं आपको ये चीज बता देता हूं, इसमें बॉन्ड जो एंगल है, बॉन्ड जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री का, बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री का, और कार्बन कार्बन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है इसकी लेंथ होगी 133 पिकोमीटर। अगली बात समझे, अब आप देख सकते हैं इसका तितली डायग्राम, एथीन का तितली डायग्राम फर्स्ट सदस्य है, फर्स्ट मेंबर है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है एक, तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के हम एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, फिर एक पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड आप जानते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, तो ये साइड वाइज जब ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, आज चैप्टर 4 में पढ़ा था पूरा, ये पाई बॉन्ड बन गया साइड वाइज ओवरलैपिंग करने से, ठीक है। एंड दो हाइड्रोजन इसके है, तो दो हाइड्रोजन के लिए एस ऑर्बिटल यहां आ जाएगा, दो हाइड्रोजन के लिए एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, इसी टाइप से यहां पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये आ गया आपका, क्लियर। तो ये जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है इसके अंदर, आगे बात समझे, और बॉन्ड लेंथ इसकी होती है 133 पिकोमीटर। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था एल्कीन का, अब बात करते हैं अपन इसका नाम, कॉमन नेम सिस्टम, डेरॉइड सिस्टम, IUPAC। तो मैं यहां पे आपको दो सिस्टम बताऊंगा, एक डेरॉइड सिस्टम और एक IUPAC का, ये नाम कैसे देते हैं एल्कीन को। यहां पे हम एग्जांपल ले लेंगे, यहां हम बात कर लेंगे डेराइड सिस्टम की, यहां हम बात कर लेंगे IUPAC सिस्टम की नाम में। आगे बात करें तो सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जैसा कि मैंने लिया यहां पे सी डबल बॉन्ड सी एच एच, जो इसका फर्स्ट मेंबर है एच एच, डेराइड सिस्टम में इसको बोलते हैं एथिलीन, क्या बोलते हैं एथिलीन, एथिलीन,
स्टेराइड सिस्टम में इसको क्या बोला जाता है, एथिलीन बोला जाता है। और आईओपीएसी सिस्टम में इसको बोलेंगे, दो कार्बन होता है तो एथ बोलते हैं वर्ड रूट में, और इसमें सफिक्स मैंने आपको बताया था इन, तो क्या हो जाएगा एथीन। तो आईओपीएसी के अंदर इसका क्या नाम हो जाएगा, एथीन। अगली बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब मैं खोल के लिखूंगा ऐसे, ठीक है, सी एच थ्री सी एच डबल बोन सी एच टू, ये चीज है। अब ये इतना इतना क्या है, सेम यही है, ये चीज यही तो है, और इसको डेराइव सिस्टम में क्या बोलते हैं, एथिलीन। तो ये क्या हो गया, एथिलीन हो गया थी, और ये क्या है, मैथिल। ये क्या है, मैथिल। तो इसका डेराइव सिस्टम में इसका नाम हो जाएगा मैथिल, मिथाइल बोल दीजिए, मैथिल एथिलीन, ठीक है। एंड आईओपीएसी के अंदर तो यही हो जाएगा, वन टू थ्री प्रोप प्लस इन प्रोपीन, प्रोपीन, क्लियर। आगे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सी एस थ्री सी एस डबल बोन सी एच सी एस थ्री, ये क्या है, एथिलीन। ये बीच में इतना इतना क्या है, एथिलीन है, और यहां पे क्या है, मेथिल। ये भी क्या है, मेथिल, तो डाइमेथिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको डाइमेथिल एथिलीन, कोई दिक्कत नहीं। एंड आईयूपीएसी में देखो, अब यहां पे नंबर देना पड़ेगा क्योंकि डबल बोन का नंबर एक नहीं है, तो यहां नंबर देंगे एक दो तीन चार, कितने नंबर पे आ रहा है डबल बोन, दो नंबर पे आ रहा है, एक दो तीन चार ब्यूट। आईओपीसी क्या हो जाएगा इसका, ब्यूट टू इन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या करके कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं टू ब्यूटीन, ये भी गलत नहीं है। टू ब्यूटीन का मतलब भी यही होता है कि दो नंबर पे डबल बोन है, और ब्यूट यानी चार कार्बन, ठीक है। आगे देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं लास्ट, यहां पे ये तो क्या हो गया, एथिलीन, और ये मैथिल है, ये क्या है, एथिल है। तो पहले एथिल लिख देंगे, फिर मैथिल लिख देंगे, फिर एथिलीन लिख देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा डेराइड सिस्टम में एथिल मैथिल एथिलीन, एथिल मैथिल एथिलीन, ठीक है। और आईओपीएसी सिस्टम, आईओपीएसी सिस्टम में इधर से नंबरिंग जाएगा क्योंकि पास पड़ता है इधर से, वन टू थ्री फोर फाइव, तो पेंट टू इन, टू इन, दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो इस तरीके से हम जो है एल्कीन का नाम दे सकते हैं डेराइव सिस्टम और आईओपीएसी के अंदर। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, प्रिपरेशन की बात होगी पहले, और प्रिपरेशन से पहले एक चीज टॉपिक और पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्कीन में आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि जब किसी भी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, जिसके कारण उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाता है, तो इनको आइसोमर बोलते हैं कंपाउंड्स को, और ये जो डोसेज होता है, ये जो प्रॉपर्टी है इनकी, इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। उसके मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एल्कीन है, एल्कीन के अंदर कौन कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, तो एल्कीन के अंदर होता है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये तीनों तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, और ये ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है ये स्ट्रक्चरल नहीं है, लेकिन ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इसकी चेन आइसोमेरिज्म की। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो डबल बोन्ड है उस डबल बोन्ड की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आता, केवल जो चेन है, जो हाइड्रोकार्बन की चेन है उसमें चेंजेस आता है। तो कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए अपन यहां पे एग्जांपल लेते हैं, और एग्जाम्पल
CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम आप देखिए, इसका नाम है N pentene है। एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 N pentene, सीधी लंबी चेन है, ठीक है। अब मैं इस चेन में चेंजेस कर दूं, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं करूंगा, डबल बॉन्ड एक नंबर पे है, एक नंबर पे ही रहेगा, लेकिन मैंने चेन में चेंजेस कर दिया, जैसे CH3 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब आप यहां देखिए कितने कार्बन कर दिए, मैंने ज्यादा कर दी थी, 1 2 एक ज्यादा हो गया कार्बन, ठीक है ये। अब यहां आप देखिए कि 1 2 3 4 5 कार्बन वही है, डबल बॉन्ड भी एक नंबर पे ही है, लेकिन चेन चेंजेस हो गई, पहले सीधी लंबी चेन थी, अब चेन में ब्रांच आ गई है, ब्रांच आ गई तो इसका नाम भी बदल गया, अब इसका नाम हो गया आइसो 1 2 3 4 5 पेंटिंग, अब इसका नाम आइसो पेंटिंग हो गया। तो इस टाइप की जो आइसोलेशन होता है जिसमें डबल बोन के पोजीशन चेंज ना हो लेकिन चेन में चेंजेज आ जाता है तो उसे चेन आइसोलेशन बोलते हैं, जो कि एल्केन के अंदर पाया जाता है। आगे बात समझे, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल पोजीशन आइसोलेशन, पोजीशन यानी कि स्थिति, यानी डबल बॉन्ड की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है इसमें। इस आइसोलेशन में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसकी पोजीशन में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाता है। कैसे, एग्जांपल देखिए CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या है, वन पेंट लिख दीजिए या पेंट वन इन, ठीक है। अब मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दूं, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, C5H10, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 2 5 और 3 2 5 10 हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका क्या है, C3H10। अब इसके डबल बॉन्ड में चेंजेस कर दूं, पोजीशन बदल दूं मैं डबल बॉन्ड की, CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब डबल बॉन्ड देखिए, अगर नंबर यहां से दूं तो भी डबल बॉन्ड दो नंबर पे जाएगा, ठीक है, पहले एक नंबर पे था, अब डबल बॉन्ड कहां पे आ गया, दो नंबर पे, नाम क्या हो गया, पेंट टू इन, नाम भी बदल गया, अब इसका नाम पेंट टू इन हो गया। तो आप देख सकते हो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई, चेन के अंदर ही डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई है, डबल बॉन्ड का स्थान बदल गया है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, यहां पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है, C5H10, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, देखो 2 1 3 4 5 6 ये 3 आएगा, ठीक है ना, 3 1 4 5 6 7 और 3 10 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने के कारण इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। आगे चलो एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एल्कीन के अंदर, यहां पे जो एल्कीन है वो एक लंबी चेन वाला जो है साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लो एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं, एल्कीन के अंदर। तो यहां पे देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये एल्कीन मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम प्रोपीन है, क्या नाम है इसका, प्रोपीन, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, मतलब C3H6 है, ठीक है। अब इसमें ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लो ग्रुप, साइक्लो कंपाउंड बना लेगा CH2, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा CH2 CH2, और ये बॉन्ड यहां बन जाएगा, ठीक है, जिसके कारण से ये रिंग कंपाउंड बन गया,
रिंग कंपाउंड बन गया तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपीन। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, तीन कार्बन और छह हाइड्रोजन C3H6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे ये नॉन साइक्लिक है और यहाँ पे ये कंपाउंड साइक्लिक में कन्वर्ट हो गया, तो स्ट्रक्चर बदल गया। इस टाइप का जो एल्कीन के अंदर आइसोमेरिज्म होता है उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारा है ज्योमेट्रिकल। अब जो ज्योमेट्रिकल है ना, एक इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। सिस और ट्रांस का मतलब क्या है? देखो, जब भी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उनसे जुड़े हुए एटम और ग्रुप एक साइड में एक जैसे हो, समान हो, तो उसे सिस बोलते हैं, और अगर अपोजिट है तो उसे ट्रांस बोलते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन है और इसके दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसके डबल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसके भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है। तो अब आप देखिए, ये अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ये बीच में इसको एक्सिस पे यो ये डिवाइड कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन है उससे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये देखिए क्या है, CH3। ये भी क्या है, CH3। दोनों सेम है तो इसको बोलते हैं सिस। यहां पे आप देख सकते हो H, दोनों सेम है तो ये हो गया सिस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये सिस हो गया, ठीक है। और ट्रांस में क्या होता है? ट्रांस के अंदर देखिए, ट्रांस देखिए डबल बॉन्ड एक साइड में सेम नहीं होते, यहां पे CH3 है तो यहां पे H, यहां पे CH3 तो यहां पे H। तो अभी आप यहां पे लाइन खींचिए तो ऊपर की तरफ देखिए, यहां पे CH3 है और यहां पे H है, सेम नहीं है, यहां पे H है, यहां पे CH3 सेम नहीं है। ये विकर्ण पर सेम है, विकर्ण पर जरूर सेम हो जाते हैं, लेकिन हमें तो एक साइड में देखना है, तो एक साइड में जब दोनों अपोजिट होते हैं तो वो उसको बोलते हैं ट्रांस। तो ये ट्रांस हो गया, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम है दोनों का, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ, 1, 2, 3, 4 कार्बन है C4, हाइड्रोजन 3, 3, 6, 7 और 8, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका भी सेम आएगा 1, 2, 3 और 4 कार्बन, 4 कार्बन और हाइड्रोजन 3, 3, 6, 7, 8 हाइड्रोजन, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन इनके रूप अलग अलग है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है जिसमें दो रूप है इसके, सिस और ट्रांस, ठीक है। कल हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन की और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की।